जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं विराट चौधरी, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का ये वीडियो स्पेशली जिन लोगों का सिलेक्शन हो गया उनको अब ज्वाइनिंग लेटर की आस लग गई है कि कब उनका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, कब उनका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा और ज्वाइनिंग के समय किन किन जो मेन आवश्यक जो चीज़ें उनकी क्या क्या जरूरत पड़ेगी उसके बारे में पूरा का पूरा वीडियो है जिन दोस्तों का सिलेक्शन हो गया उनके लिए। तो दोस्तों चाहे आपका कोई से भी डिपार्टमेंट में जरूरत मतलब सिलेक्शन हुआ हो, आपको कुछ बेसिक चीज़ें उनकी ज़रूरत है ही है और कब तक ज्वाइनिंग आएगा, तो ज्वाइनिंग का तो मैं बता दूंगी आपकी अब रिजल्ट आया तो मान के चलिए कि अगले एक महीने के अंदर अंदर आप सभी के पास में ज्वाइनिंग लेटर आ जाएगा। यानी 20 से 25 दिन किसी के पास में 25 दिन में पहुँचेगा, किसी के पास में 20 दिन में, किसी के पास 30 दिन में पहुँचेगा वो डाक के हिसाब से। तो 20 से 25 दिन के बाद में आपको ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होंगे और उससे अगले 25 दिन में आपकी ज्वाइनिंगें होनी है दोस्तों। अब कई लोगों को ये भी क्यों सुना था कि सर सभी की एक साथ ज्वाइनिंग होगी, हो सकता है कईयों की थोड़ी सी लेट हो ज्वाइनिंग, लेकिन ज़्यादातर कैंडिडेट की एक साथ ज्वाइनिंग होगी क्योंकि सभी डिपार्टमेंट में जो ट्रेनिंग सेंटर है खाली है, कोई भी फुलफिल नहीं है, सभी ज्वाइनिंग करा सकते हैं, इसके लिए सक्षम है और सभी की एक साथ ज्वाइनिंग हो सकती है। कुछ कैंडिडेट जो अटके हुए रह जाते हैं या किसी कारणवश जो कोर्ट की वजह से जो रह जाते हैं उनकी ज्वाइनिंग ये ऐसा है कि थोड़े से दिन लेट हो सकती है दोस्तों, बाकी सभी की जो ज्वाइनिंग है वो एक साथ ही होगी। ज़्यादा मतलब कुछ कैंडिडेट जैसे मैंने बताया कि जिनकी फंसी हुई रह जाती है वैकेंसी किसी कारणवश, तो उनकी लेट हो सकती है। तो दोस्तों उसके बाद में आपकी ज्वाइनिंग हो जानी है। ज्वाइनिंग के लिए जो आवश्यक कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ज़रूरी है, जैसे डॉक्यूमेंट्स, कुछ डॉक्यूमेंट्स के बारे में जैसे आपको मैंने पहले ही बताया, एक बार फिर बता दे रहा हूँ, डॉक्यूमेंट्स के लिए जो आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो करेक्ट होने चाहिए। आपके चाहे माता पिता के नाम में कोई प्रॉब्लम है या फादर ने मिस्टेक, मदर ने मिस्टेक, आपके नाम में कोई मिस्टेक थी फॉर्म भरते समय या कुछ ऐसा कुछ भी हुआ हो, तो उस चीज़ को छोड़ देना, दरकिनार कर देना। चाहे ऐसा कुछ भी हुआ उसको दिमाग में नहीं लेना है क्योंकि अब आपके नए वहाँ फॉर्म भरे जाएंगे ज्वाइनिंग के टाइम, वहाँ पर आपको सब कुछ सही लिखना है। और मैंने एक चीज़ बताई थी, रेलवे स्टेशन का जब नाम लिखो वहाँ पे तो जंक्शन का लिखना है जहाँ पर ट्रेनें आती जाती रहती है दोस्तों, तो उस जगह का आपको नाम लिखना है। तो उसके बाद में जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके खुद के पर्सनल जो डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे पैन कार्ड हो, आधार कार्ड हो, मूल निवास हो, कास्ट सर्टिफिकेट हो, कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो, ये सभी के सभी जो डॉक्यूमेंट्स हैं आपके और आपकी फ़ोटोज़ जो उसमें नई फ़ोटोज़ लगेगी, जो बैंक अकाउंट है उसमें लिखा हुआ है कि कौन सी बैंक का बैंक अकाउंट चाहिए, ज़्यादातर SBI का ही मांगते हैं लेकिन इस बार क्या पता किसका है, तो उसी समय आप ओपन कराना बैंक अकाउंट। तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार अकॉर्डिंग राइट होने चाहिए। आपके ज़्यादातर डॉक्यूमेंट 10th क्लास की मार्कशीट को फुल्ली फिल करते होने चाहिए नेम में। आपकी जो 10th क्लास की मार्कशीट में नेम है वही नेम के अनुसार आप डॉक्यूमेंट्स बना लेना। माता पिता के नेम में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसकी चिंता ना करिए क्योंकि उनका वहाँ पर कोई प्रूफ नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी उनकी ID कार्ड की फोटोकॉपी आप साथ में लेके जाना दोस्तों, ताकि उससे आपको डेट ऑफ बर्थ उनकी और जैसे माता पिता की जो डेट ऑफ बर्थ है उनको भरने में आपको आसानी रहेगी, उनकी एज पूछी जाएगी, उनके नॉमिनेशन फॉर्म भरे जाएंगे और आपके अगर छोटे भाई बहन हैं तो उनके भी ज़रूर साथ में आप डॉक्यूमेंट की कॉपी है वो लेके जाना। तो ये नेसेसरी चीज़ें हैं जो लेके जानी है। और आपके डॉक्यूमेंट्स में बता दिए कि 10th क्लास की मार्कशीट के अनुसार आपकी डेट ऑफ बर्थ, नेम, फादर नेम, इसके अनुसार फादर नेम का कोई पंगा नहीं है, मदर नेम का कोई पंगा नहीं, लेकिन डेट और आपका जो नेम है वो आपके आधार कार्ड में भी सेम होना चाहिए, आपके पैन कार्ड में भी वैसा ही होना चाहिए। तो अगर नहीं आधार कार्ड में आपका नेम चेंज है तो अभी चेंज करा लीजिए, अभी आपके पास में मौका है। तो दोस्तों ये चीज़ें अभी आप चेंज करा सकते हो, चेंज ज़रूर करा लेना ताकि आपको आने वाले समय में कोई भी परेशानी नहीं हो। तो फिर आपकी ज्वाइनिंग होने के बाद में फिर आपकी ट्रेनिंग कब तक स्टार्ट होगी, तो ये ट्रेनिंग का है कि आपकी अप्रैल से शायद ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी, मार्च लास्ट या अप्रैल फर्स्ट में आपकी ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी। अब इस बीच अगर कोई एग्ज़ाम देने वाला है तो अप्रैल तक अगर किसी का एग्ज़ाम है अप्रैल से पहले पहले, तो ज्वाइनिंग सेंटर, ग्रुप सेंटर जहाँ पर आपको मिलेंगे, तो सबसे पहले आपकी ज्वाइनिंग आप सभी को पता है कि ग्रुप सेंटरों में होनी है। अब कौन सा ग्रुप सेंटर आएगा वो अभी डिसाइड नहीं हुए हैं, आपके जब ज्वाइनिंग लेटर आएगा उसमें लिखा हुआ आएगा कि आपके कौन से ग्रुप सेंटर में ज्वाइनिंग दी गई है, फिर पता चलेगा कि वहाँ से कि आपको कौन से ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग दी गई। कब पता चलेगा, जैसे आप ग्रुप सेंटर में ज्वाइन करोगे उसके 3 से 4 दिन आपके डॉक्यूमेंट्स में लग जाएंगे। इस बार कोरोना का टाइम है तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाएगा, मतलब 8 से 10 दिन लग सकते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई में। जब 8 से 10 दिन डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे उसके बाद में, 8 से 10 दिन बाद में जब डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होंगे, तो उसके बाद में दोस्तों डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद ये मान के चलिए 10-15 दिन और वहाँ पे आपको लग जाएंगे क्योंकि सभी के एक साथ डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई नहीं होंगे, धीरे 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 चलते रहेंगे। तो 10 से 15 मतलब 15 से 20 दिन या 1 महीने के आसपास टाइम लग जाता है और ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन तो आप लेके चलिए, 20 से 25 दिन के बाद में फिर वहाँ से आपको ट्रेनिंग सेंटर के लिए भेजा जाएगा और तभी आपको ट्रेनिंग सेंटर का पता चलेगा। आप जब ज्वाइन करोगे उसके 10 या 15 दिन बाद में आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से ट्रेनिंग सेंटर में ट्रेनिंग करने वाले हो दोस्तों।
जो ट्रेनिंग की जो नेसेसरी चीज़ें हैं वो भी आपको पता ही है। नॉर्मल जो आपके कपड़े हैं वो तो लेके जाने ही है, जब लाइट वेटिंग, हाँ, और जॉइनिंग के समय तो लेके जाने हैं आपके, नॉर्मल ड्रेस लेके जानी है, लोअर शूज़, टी शर्ट वी शर्ट लेके जाना, शेविंग का पूरा सामान लेके जाना, शेविंग वेविंग आपको करनी पड़ेगी, लड़कियाँ भी अपना जो टी शर्ट लोअर पैंट है ये सभी साथ में लेके जाना, ताकि आपकी जहाँ पे भी जॉइनिंग हो, वैसे तो वहाँ पर सब कुछ मिलता है क्योंकि ग्रुप सेंटर है, वहाँ पर कैंटीन की सुविधा है, वहाँ सब कुछ मिलता है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ज़्यादातर आपको कोई समस्या नहीं होगी, कोई किसी भी चीज़ खरीदने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, तो इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर सामान आपको मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आप घर से एक लाइट बेडिंग यानी एक कंबल दरी कुछ बिछाने सोने के लिए ओढ़ने के लिए ज़रूर लेके जाना। जॉइनिंग टाइम पे मैंने जैसे बोला कि अब रिजर्वेशन, जैसे आपका जॉइनिंग लेटर आए आप रिजर्वेशन एडवांस में कर लेना दोस्तों, ठीक है, तो एडवांस में ही आप रिजर्वेशन कर लेना, जिस भी जगह जाओ वहाँ का रिजर्वेशन करके पहले से रखना, ताकि आपको आसानी रहे वहाँ पर जाने में, ताकि कोई प्रॉब्लम नहीं आए, भाग दौड़ नहीं करना है। इसके अलावा डॉक्यूमेंट्स हो गए और ये नॉर्मल जो सामान आपका ये लेके जाना, लेकिन मेन आपके डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में मैंने बता दिया कि आपके खुद के अच्छे डॉक्यूमेंट्स सभी क्लियर होने चाहिए, उनमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 10th क्लास की मार्कशीट अगर किसी के पास में डुप्लीकेट है, जैसे ओरिजिनल गुम चुके उसने बोर्ड से डुप्लीकेट लिया है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और भी आपका ऐसा कोई डॉक्यूमेंट्स है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, ज्वाइनिंग के टाइम में आपका कोई मेडिकल नहीं होगा, आप उसके लिए चिंतित ना रहे कि आपका मेडिकल होगा, ज्वाइनिंग के टाइम पर कोई मेडिकल नहीं होगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। कहीं के हाथ पे कुछ नस बार आ रही है या किसी को कोई चोट वोट लग रखी है छोटी मोटी, कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अब ध्यान रखें कि अब किसी को कोई चोट वोट ना लग जाए दोस्तों, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, ठीक है, कि कहीं पे भी आपको कोई चोट वोट ना लगे, अगर लगी हुई है छोटी मोटी तो उसको तैयार करा लीजिए, और आपको मतलब सरसरी तौर पर नॉर्मल सा आपका मेडिकल होगा दोस्तों, जो मेडिकल नहीं मतलब फिजिकली रूप से आपको देखा जाएगा कहीं कोई चोट वोट तो नहीं है, ऐसा भी कई ग्रुप सेंटरों में होगा, कईयों में नहीं होगा, तो जिनका चाहे BSF में, CRPF, CISF, ITBP या असम राइफल किसी में भी आपकी ज्वाइनिंग सेंटर आएंगे, जो इतने भी ग्रुप सेंटर है आपको सबको पता ही है, पता चल जाएगा, नहीं पता तो जैसे मैं वीडियो बनाऊंगा कि आपके ट्रेनिंग सेंटर कौन से डिपार्टमेंट के कहां कहां ट्रेनिंग सेंटर है, बना भी रखे हैं कुछ के, तो आप जाके देख सकते हो, और जिन दोस्तों का सिलेक्शन नहीं हुआ है उनको भी आप मोटिवेट करना, कोई बात नहीं, इस भर्ती आपके लिए नहीं थी, अगली भर्ती में आप ज़रूर ट्राई करें, कोई ऐसा नहीं आपका दोस्त आप अपनी खुशी के चक्कर में अपने दोस्त की गम भूल जाओ, उसको भी मोटिवेट करना दोस्तों, और इन बातों का आप विशेष ध्यान रखना कि जब ज्वाइनिंग सेंटर जाओ उससे पहले अब कोई चोट चाट ना लगा लो, बाइक वाइक चलाते समय अच्छे से ध्यान रखें, हेलमेट ज़रूर उपयोग करें और कम ही बाइक का यूज़ करें जब तक आपकी ज्वाइनिंग नहीं आती। लड़ाई झगड़ों से विशेष दूरी बना के रखें, क्योंकि कुछ लोग जो आपसे जलन करते हैं वो इन चीज़ों में आपको फंसाने के चक्कर में भी रह सकते हैं, इसलिए लड़ाई झगड़ों से आप विशेष ही दूर रहें दोस्तों, उचित दूरी बना के रखें, हाथ जोड़ के रखें कुछ दिन बस, कि प्रणाम प्रणाम कोई भी बोले हाँ भाई तू साइंस आया है, हम नहीं, क्योंकि देश सेवा करनी है तो डिसिप्लिन सबसे बड़ी बात होती है, तो किसी से लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होना चाहिए दोस्तों, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है, और बहुत जल्दी आपकी ज्वाइनिंग होने वाली है, तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई, अब नवनिर्वाचित आप जो फौजी बन गए हो। जय हिंद, जय भारत।